Oh, hi, Janice. Life is not what it used to be. Or maybe it is. You know, I am constantly reminded of the Stone Age. Jab na bijli hoti thi, na sarke hoti thi, na dukane hoti thi. Lekin kam az kam tab bhi pani to tha, jo ab nahi milta. God, shayad yehi wajah hai ki wo jinhe jaakar ke chillu bhar pani mein doob banna chahiye, aisa nahi kar pate. Ab dekhe na. बिजली कब से बंद है और कोई पुरसाने हाल भी नहीं. ऐसे हालात में दिल को बहलाने पहले शॉपिंग मॉल चली जाया करती थी, जहां आंखों के साथ साथ वहां की सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से अपने आप को भी ठंड पहुंचा लिया करती थी. लेकिन इन्होंने तो वो भी बंद कर दिए. एयर कंडीशनिंग नहीं, शॉपिंग मॉल्स. ये कहकर कि शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाने से बिजली जानी बंद हो जाएगी. बट गेस व्हाट, बिजली अब भी बंद है. महंगाई की वजह से लोगों की बोलती बंद है. पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरा जनरेटर भी बंद है. यू नो आई मीन सो मच इज बंद, सो मच इज बंद. एंड देन दे से डोंट उछालो एनी गंद. और वैसे भी वो वक्त आ गया है जब हम सबको अपनी आंखों के साथ साथ अपने जहनों और अपने दिलों को खोलने की जरूरत है. क्योंकि जब हम अवाम एक होंगे तभी ये लोग जानेंगे दैट दी अवाम शुड कम फर्स्ट. कहने को हम उस मुल्क के लोग हैं जो कुदरती वसाइल से मालामाल है, फिर हमारे मसाइल खत्म क्यों नहीं होते? कहने को हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत जबरदस्त है, फिर ये किसकी स्ट्रेटेजी को तकवियत पहुंचा रही है? आप लोग भी कहेंगे कि आज बेगम साहिबा बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, इस तारीकी में मिजाज के रंग गुम जाते हैं. हाँ, अलबत्ता इस तारीकी में कुछ रोशन ख्याली से तो काम लिया जा सकता है ना. एहतसाब, कुछ अपना कुछ उनका. खैर, छोड़िए ये संगीन गुफ्तगु. मैं बिजली तो नहीं लेकिन तितली सी जरूर हूं. शायद यही वजह है कि किसी की पकड़ में नहीं आती. यू नो आई रियलाइज द अदर डे कि उम्र के इस हिस्से में भला मुझे कौन पकड़ेगा, तो मुझे खुद ही जाकर किसी को पकड़ लेना चाहिए. सो आई डिसाइडेड आई नीडेड टू ट्रिम माई फिंगर्स एंड माई नेल्स, you know, to pakdo them better. I decided I needed a manicure. So I went straight to Tariq Amin's salon. And guess what? He gave me this amazing French manicure. Khair, abhi manicure kara kar nikli hi, toh meri nazar un par aur unki nazar mujh par padi. Hai Janice, dekha aapne, dekha aap sabne, ki unka zikr karte hi, meri bijli wapas aa gayi. But you know what? He's asked me to keep his name a secret. Dil chota karne ki zarurat nahi hai. Aap sab to jante hain that I am the first to give out all secrets. You'll meet him really soon. But before that, I'd like you to meet somebody else. Somebody I love very much. Afsos sirf is baat ka hai ki isse sirf main nahi, sabhi bahut pyar karte hain. Aur aap log to jante hain that I'm extremely possessive. Not only about the men, but also about the women in my life. Anyway, आई बेटी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. उससे मिलेंगे तो जान लेंगे कि सब उससे इतना प्यार क्यों करते हैं. I'm not going to keep her waiting for too long and ask her to step right in. Step right in, Naveed Shehzad. I'm so excited, I'm so happy. आज कितने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है? ढेरों साल हो गए. है ना? But you're looking lovelier than ever. Thank you, darling. और तुम भी बिल्कुल नहीं बदली. और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमेशा की तरह आज भी तुम मुझसे एक कदम आगे ही हो. अरे वो कैसे? इतना खूबसूरत रंग पहनकर आ गई. मेरा रंग तो फीका पड़ गया तुम्हारे रंग के सामने. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. But you're looking like a real peach. Well, thank you so much. अच्छा नेवी, tell me what's happening. क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं? भाई देखो, तुम्हें पता तो है कि मैं हमेशा से एजुकेशन के साथ मेरा वास्ता रहा और मीडिया के साथ, और अब भी इन दोनों का साथ है.
along with husband and children, of course. Of course. By the way, शिज़ा के क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. अब तैयारी कर रहे हैं. आजकल तो फुटबॉल देख रहे हैं और अब तैयारी कर रहे हैं लंदन जाने की फॉर द एंटायर क्रिकेट सीरीज. यू नो वेयर एवर क्रिकेट इज He's there. He's there. Hi, I wish usko bhi saath le aati, but I know you've always been very insecure when it comes to him and me. भाई देखो, तुमसे तो मुझे कोई बईद नहीं ना. तुम कभी भी कुछ भी कह सकती हो. तो फिर थोड़ा सा जरा अकलमंद को इशारा ही काफी होता है. फिर जरा एहतियात कर लो तो कोई ऐसी बात नहीं. But that's कि मुझे तुमसे एक छोटी सी शिकायत जरूर है. देखो, इतना अच्छा तुमने इंस्टीट्यूशन चला रही हो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से, और वहाँ पे 55 बच्चे भी शामिल वहाँ पे आ गए हैं, और तुमने एक दफ़ा नहीं मुझे झूठे मुँह कहा कि नाजी आके बच्चों को परफॉर्मेंस सिखा दो. यू नो आई परफॉर्म रियली वेल. आई नो यू डू. व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर इन दिस शो? नहीं मीजान, तुम अभी मुझे बता रही थी कि मैं लाहौर आ रही हूँ. लाहौर आओगी तो सबसे पहले अपने सारे बच्चों से मिलवाऊंगी. हाँ, 55 के 55 से तुम्हारी बच्चों जैसी ही हूँ. ये ना मैंने कहा बच्चों को यही बोला ना, बच्चों को ये ना बोला. ठीक है ठीक है. बिकॉज़ वहाँ पर हम पुरानी सहेलियाँ बच्चों और मेरे, हाँ वहाँ पे पुरानी सहेलियाँ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों के मेरे बीच में कोई खलीज हो. मैं चाहूंगी कि हम बिल्कुल साथ साथ हों, ताकि मैं उनको बेहतर तरीके से उनको सब कुछ सिखा सकूं. They're all very, very young. Well, the younger the better, darling. That's how it works. चलो ठीक है. और अभी तुम बोल रही थी कि छोटे छोटे कदम लेकर बड़े हैं मीडिया के अंदर. तुम्हें तो पता है कि मैं लंबी लंबी छलांगे लगाने की कायल हूँ. एक दफा मेरा हाथ फिर जाएगा ना, तो तुम्हारे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह. ऑल्सो निवी, कि जिस तरह हमारा दौर था, या हम जब खैर अभी भी हम जवानी हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटी थीं और हम जब उस दौर में विद ऑल दोज जो बंदिशें भी थीं और जो जितनी रुकावटें भी थीं, उस सब के अंदर वो सब कर लेना जो कुछ किया माशाल्लाह, एंड यू नो टू स्टिल बी एबल टू अचीव दोज गोल्स एंड टू मेक अ डेंट, रियली आई थिंक यू नो उसका जो एक सेटिस्फैक्शन होती है इंटरनल, यू नो आई थिंक इट्स फार ग्रेटर देन व्हेन यू हैव एवरीथिंग सेट फॉर योरसेल्फ. एंड यू नो I mean, I just feel that way. I think मैं समझती हूँ somehow निवी के आजकल की जो generation है, या आजकल का जो बच्चे हैं, मैं अपने आप को या हमारी generation को कई तौर से उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ. You're absolutely right. मैं बताऊँ तुम्हें, तुम्हें तो काफ़ी कुछ याद भी होगा कि मेरे वालिद ने इतना मुझे इनकरेज किया. यानी कि द लेट अब्दुलरहमान चुगताई बहुत अजीज़ दोस्त थे अब्बा के. उनसे मैंने पेंटिंग सीखी. उनका वो जो पुराने शहर में पीला घर हुआ करता था, उसके टॉप फ्लोर पर उनका स्टूडियो था. वहाँ वो एक बाल के ब्रश से वो लाइन लगाते थे. और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस रेफरेंस से कि अब्दुलरहमान चुगताई, आमिद अली खान, रोशन आरा बेगम, द लेट नूर जहाँ, मतलब इन लोगों का आना जाना हमारे घर में. सूफी साहब आया जाया करते थे, हयात अहमद ख़ान साहब. तो म्यूज़िक है तो वो हम सुनने जा रहे हैं. आर्ट एग्जिबिशन है, आई रिमेंबर हनीफ रामेज फर्स्ट एग्जिबिशन. और आर्ट्स काउंसिल को फ़रोग देना, वहाँ काम करना, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो बुनियाद थी ना वो बहुत अच्छी रखी गई थी. तो उससे तो फिर अगर आप आगे ना बढ़ें तो अपनी बदकिस्मत. आई नो, बट आज एक बात तुम्हारी बातें सुन के मुझे आज एक बात का अंदाजा हो गया, एंड आई अंडरस्टूड व्हाई शोएब एंड आई डोंट गेट लॉन्ग सो वेल. क्यों? तुम्हें तो पता है मेरी उसकी बिल्कुल नहीं बनती. अच्छा, मुझे नहीं पता. आई'ल टेल यू व्हाई नाउ, बिकॉज यू नो लाइक ही वाज अ मैग्नेट, आई वाज आल्सो अ मैग्नेट. You know, I used to attract all these people also. What happens if you bring two magnets close to each other? What happens, darling? दो पॉजिटिव पोल्स तो नहीं इकट्ठे हो सकते ना. अब मैं समझी. देखो, अब मुझे बिल्कुल समझ भी आ गया. इतनी दफा मैंने उसको फोन करके कहा था कि आ जाओ, कोई बात नहीं, यही दोस्ती हो जाएगी. लेकिन शायद अब मैं समझ गई कि क्यों नहीं आना चाहता. अच्छा, मुझे बताओ कि वो एक दूसरे की, they don't want to steal each other's thunder. I think that's it. Tell me, अभी तुमने जिक्र किया, और of course most of you would remember, वो 9-10 साल की लड़की जो सच गप में आया करती थी, वो लड़की आज भी जिंदा है? वो कभी मेरा ख्याल है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो जिंदा है.
क्योंकि थोड़ा सा मुझे शौक लगता है जब मैं शीशे में अपनी शक्ल देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी शक्ल अभी तक वही है और आजकल जब जरा देखती हूँ तो शक्ल बदल तो गई है। नहीं नहीं, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू माय डियर, दैट्स ऑल योर अफेक्शन टॉकिंग। लेकिन वो जो इनोसेंस और वो जो एक प्यारापन जिसमें कड़वी बात भी प्यारी लगे, मैंने उसको बड़ी कोशिश से जिंदा रखा है, क्योंकि बहुत आसान है लोगों के बारे में बदखोई करनी और बिटर हो जाना और कंजूस हो जाना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट पे, जेनरोसिटी ना रखनी अपने आप में। मैंने उस पर बड़ा कॉन्शियसली काम किया और इसमें मुझे शहजाद ने बड़ा हेल्प किया, क्योंकि वो इतने जेनरस आदमी हैं, ही इज, और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वक्त की बात कर रही हूँ और अटेंशन टू डिटेल की बात कर रही हूँ और किसी दोस्त की ज़रूरत की बात कर रही हूँ। ये मैंने उनसे ज़्यादा सीखा है, बिकॉज ही इज रिमार्केबल दैट वे, ही विल गो आउट ऑफ हिज वे एंड मेक टाइम फॉर पीपल। यू नो, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए, इतना प्यार और इतनी इस, यही कह सकती हूँ कि हसीन ताल्लुकात या हसीन ताल्लुक ढूंढ लेना एक सच्ची मोहब्बत। ओए मेरी जान, आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई, यू आर सेंसिटिव, आई नो यू आर, यू ऑलवेज हैव बीन। आई नीड टू टेक अ लिटिल शॉर्ट ब्रेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, थोड़ी सी ढारस चाहिए मुझे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बिकॉज निवी इज राइट हियर एंड वी हैव लोड्स मोर टू टॉक अबाउट। वेलकम बैक निवी। पता है आज मैं बहुत खुश भी हूँ और सच पूछो तो बहुत उदास भी हूँ। हाय, क्यों? I've been in a very bad way. Why? I don't know. I feel I'm slipping into a depression. हाय, पर क्यों? We need to talk. You know, we really need to talk. Anytime. हाँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगी ना लाहौर। बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगी और फिर तमाम अपने डिप्रेशन अपने दुख तुम्हारे सामने रहूंगी। पता है मेरा लोगों पर से एतबार सा उठता जा रहा है। क्या वजह? You know, I used to always believe in the basic goodness of all human beings. I still do. कि तमाम लोग अच्छे हैं, पर I don't know, there have been some people in and out of my life जिन्होंने मेरा वो उस मेरे उस एतमाद को ठेस से पहुंचा दी है। मेरी जान, सारे लोग एक से तो नहीं होते ना। I know, but you know, I'm so glad that you're here and I'm so relaxed because I have my real friend sitting here with me and I can be anywhere I want to be. Absolutely. अच्छा, इतने सारे सालों में कभी तो किसी और को देखकर कभी कोई और आंख को अच्छा तो लगता ही है। I mean, of course, you know, one comes across so many people. कभी तुम्हें किसी और पे, did you ever have any sort of a crush on somebody? Oh, but, yes. Can I tell you? Hi, please. You must. सबसे पहले तो Richard Burton. Of course. Huh. I absolutely adored him. And when he died, तो मैंने कहा कि हाय, he's dead and he doesn't know that somewhere far away across the oceans somebody used to adore him. Then my second crush, who was it? Haan, of course, Shah Rukh Khan. Hi. I have such a crush on him. Hi. But you know, he's very close to me. Achha? Shah Rukh Khan. बड़ी छुपी रुस्तम है, तुमने बताया ही नहीं मुझे। तुम्हें तो पता ही नहीं अभी कुछ भी। अब देखो, इतने सारे सालों तक गायब रहोगी तो कैसे जानोगी। हाँ, ये भी है ना, ये भी। और उनका बताओ, शहजाद का बताओ। Well, he's a very handsome man and he has an eye for beautiful women. Of course, I would know that. Or yes, you would. अब तुम्हें जैसे हम इतनी करीबी सहेलियां हैं, तुम्हें जब तुम उन पर मुझ पे कभी शक नहीं हुआ तो तुम्हें क्या पता कि और कहां कहां? हाँ, ये मैं कह नहीं सकती, है ना? But I know कि when he finds a woman very beautiful and very attractive, he always talks about her with me. So, ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है या कोई दिल में कोई मैल है तो बात नहीं करनी या whatever. If I find somebody attractive, मैं जरूर उनसे कहूंगी, hey, what a good looking guy या whatever. I don't know, शायद हम जरा अनकन्वेंशनल मियां बीवी हैं, हमें इन चीजों से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जैसे तुमने कहा ना कि इतने सारे साल हो गए and you stuck it out. We haven't stuck it out. We've enjoyed every minute of it. MashaAllah.
You know, but that sounds so wonderful, really. Lekin, you know, when I look around me, and I'm sure tum bhi dekhti hogi, but for most people, somehow, you don't find this kind of chemistry between most husbands and most wives, especially in this part of the world. I mean, most BVs that I know are very insecure of me. They can't stand their husbands even trying to make a, you know, like a small conversation, you know. And main hamesha ye socha karti hu ki aisa kyun hota hai? क्यों होता है ऐसा निवि क्यों होती है लोगों नाजी मेरा ख्याल है कि अगर अपनी जिंदगी खाली हो एम्प्टी हो अपनी जिंदगी तो फिर ऐसी चीजों की तरफ इंसान का ध्यान जाता है और अगर आपकी अपनी जिंदगी में इतने ढेरों खजाने हो कि आपके पास वक्त ही ना हो कि आप ऐसी फजूल चीजों के बारे में सोचो आई थिंक इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है निवि कि आजकल स्पेशली आजकल जो मैं देखती हूँ तो आई थिंक पीपल आर मोर फोकस्ड और मोर डिजायरस ऑफ वांटिंग टू फिल देयर बैंक अकाउंट्स देन टू फिल देयर लाइव्स रियली यू नो ये बड़ी अच्छी बात यू नो दे वांट टू एनरिच देमसेल्व्स थ्रू देयर अकाउंट्स एंड थ्रू देयर मनी एंड थ्रू द गोल्ड एंड थ्रू द प्लॉट्स रियली बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई फील एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी ऑन दैट आल्सो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताती हूं बहुत जगह खाना खाया बहुत मुल्कों में खाना खाया और बड़े बड़े जो नामवर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ खाना खाया मगर एक मील है जो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा बिकॉज इट्स द मोस्ट प्रेशियस मील आई हैड शहजाद और मैं हम दोनों की नई नई शादी हुई थी और हम प्लाजा सिनेमा में हम मूवी देखने गए तो वापस आए तो चूंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था उस वक्त तो मैं अपनी सास के साथ ही रहती थी सख्त भूख लग रही दोनों को अब खटर पटर भी नहीं हो सकता वरना घर वाले जाग जाएं और कहें कौन है चुपके से गए सर्दियों का हमने अपना वो हीटर था वो जलाया वो फ्लिप ओवर हो जाता था वो फ्लैट हो जाता था ऊपर से और तामचीनी की प्लेट में हम दाल डाल के लाए और रोटियां लाए उसके ऊपर हमने दाल रखी और साथ ही रोटियां रखी भाई नाजी आई टेल यू दैट वॉज द एपिटमी ऑफ अ फीस्ट और वह मुझे कभी नहीं भूलेगा तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कि लोग चूंकि औरत हो या मर्द वो अपनी जिंदगी को ऐसी ठोस चीजों के साथ भरना चाहता है कि उसके पास ना तो वक्त है और ना ही रुझान है कि वो और प्यारी प्यारी चीजों के साथ अपनी जिंदगी भरे तो शायद उसकी जिंदगी ज्यादा एनरिच हो बिल्कुल सही और अभी मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये वाली तुम्हारे इस मील की कहानी सुनकर लोग ये जान जाएंगे शायद कि इफ योर हार्ट इज फिल्ड विद लव देन डज नॉट रियली मैटर कि आप किस घर में रह रहे हैं और कौन सी गाड़ी चला रहे हैं और कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वो मोहब्बत जहाँ होती है तो दाल और रोटी जो होती है वो भी दुनिया का सबसे मज़ेदार और चीज़ होती है इट एड सो मच फ्लेवर टू वंस लाइफ रियली यू नो अनदर थिंग दैट आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर इज दैट ऑल्दो यू इंसिस्टेड सो मच फॉर मी टू कम टू योर सन्स वेडिंग बट जान आई वाज इन पेरिस देन एंड आई लव बीइंग इन पेरिस यू नो फ्रांस की हवाएं खा रही थी तो कहां तुम आती हो हमारे यहां मैं पागल हूं कि मैं फ्रांस जाके सिर्फ हवाएं खाऊं मुझे गुस्सा चढ़ रहा है अभी तक नहीं पहुंचा और मुझे पता है जब आएगा ना मैं पूछूंगी आने में देर क्यों कर दी तो वही पुरानी किसी भी एक्सक्यूज देगा कि साला टायर फिर पंक्चर हो गया था यू नो बट ही ऑलवेज टेक्स सो लॉन्ग सो लॉन्ग हाँ पुरानी आदत है बाय द वे ही इज द वन I was telling you about. But darling, they keep coming and they keep going and they keep coming and they keep going. I hope this one is here to stay. But let's hope. तुमने तो बड़ी दिल फेंक हो ना. हाँ, बहुत दिल फेंक हूँ. हाँ, तो फिर हर वक्त on the lookout ना रहा करो ना जरा थोड़ा सा. तुम मुझे बताओ कि अकेलापन मुझे बताओ कि अगर अगर कोई इंसान का बच्चा मिल जाए जो रुक जाए कुछ दिनों के लिए तो फिर क्यों मैं दिल फेंकती फिरूंगी वो तो जब दिल वापस करके चले जाते हैं फिर अकेलापन काटने को दौड़ता है फिर ढूंढती रहती हूँ कि कोई मिल जाए कोई मिल जाए चलो वक्त ही मिलता है थोड़े दिनों का ही मिलता है लेकिन कुछ तो करार आता है ना जिंदगी में
I think I heard the bell. Did you? Yes, I think he's here. हाँ कुछ है, शोर तो कुछ है. But you, I'm sure you'll be very pleased to meet him. He's very talented, darling. Very talented. That he is. Yes, I know him by reputation. Okay. So I'm not going to waste any more time. I think I'm going to call him in. हाँ हाँ जरूर बुलाइए. Step right in, Adnan Siddiqui. We didn't do that. I'm sorry, I didn't realize. Tumhari galti hai. And by the way, I didn't tell her anything. As promised, I didn't tell her anything. Yeah. Thank God. मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया ना निधि? नहीं कुछ नहीं. ये क्या सीक्रेट हो रही है बेटा? कुछ नहीं. डरा हुआ था कि ये कुछ बता नहीं दें आपको ये. बस ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक ना. नहीं नहीं मैं तो हम बताया था मैंने मैंने कहा कि बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है बिल्कुल बच्चों की तरह है और बड़ा अच्छा काम करता है माशाल्लाह यू नो डूइंग सो वेल. हां वी वर्क टुगेदर भाई. गुलाम गर्दिश एंड ही प्लेड अ काइंड ऑफ हां वेल अ सन इन लॉ दैट आई डिडंट वांट तो आई वाज वेरी मीन टू हिम. Okay, yeah. But as a brother-in-law, would he be all right, darling? Oh. No, no, I'm just asking. Maybe I want to write a play, na. Play likh rahi hu. Usme kirdar hi. हाँ हाँ हाँ. Cover up कर लो इस तरह. ठीक है ठीक है. नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है. हाँ हाँ. My vote is there. Okay. Thanks. हाँ अदनान. और बीवी के क्या हाल है तुम्हारे? बीवी बिल्कुल सही. हाँ एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ तुम्हारी बीवी का. दो नाम है उसके. पलवशा जारा. पलवशा जारा. What a pretty name. हाँ, I like Palvisha. Yes, but not Palvisha Zahra so much. But no, no, I do like her. I do like her. Of course, I do like her. No, I can't be that. I can't be saying all that. नहीं नहीं अदनान. तो उसने रोका तो नहीं तुम्हें यहाँ मेरे पास आने से? हाँ, थोड़ा सा पूछा जरूर उसने कहाँ जा रहे हो इस वक्त. रात के इस पहर. उसको शक तो नहीं हुआ ना? जाहिर है मतलब. उसको उसको शक तो नहीं हुआ ना अभी तक अदनान? शक हुआ, यकीन नहीं हुआ. अच्छा शुक्र. चलो फिर शक को शक ही रहने देना. हाँ? मैंने कुछ नहीं सुना. अच्छा. But anyway, we'll pretend as if there's nothing. Okay? Nothing. Let's just pretend. I'm a good actress and you're a good actor. Thank Let's you so much. Pretend. There's nothing between us. और तुमसे तुम्हें बाद में पूछ लूंगी फिर. अच्छा मैंने सुना है अदनान कि आजकल जो एक्टर्स हैं आजकल बहुत जेबें भर रहे हैं. सब एक्टर्स देर अर्निंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी. काफ़ी पैसे कमा रहे हो आजकल? कहाँ है. काफ़ी तो नहीं है. अच्छे पैसे हैं. और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दिन नहीं रहे जो पहले हालात होते थे. बहुत बेहतर हो गए हैं एंड वन शुड थैंक गॉड फॉर दिस. बट आई थिंक येस दैट्स ट्रू. निवि तुम्हें तो याद है कि हमारे दिनों में यू नो एक्टर्स समहाउ विद द somehow the least paid of people. Paise kam hote the, kaam zyada hota tha, but they were most actors at that time were working out of the passion for acting itself. Bhi ek television ke episode ke 250 rupaye mila karte the. Mujhe to wo zamana bhi yaad hai. Dekho mujhe apa ye bhi baat yaad hai ki ek dafa agar aapne serial kar liya hota tha us zamane mein then you were not allowed to work for 6 months for that particular station. और simultaneously तो सवाल ही नहीं पैदा होता. My God. तो फिर so we should thank God for this now. Yes, well, yes, but I will thank God for it when I start reaping the benefits. अभी तक तो अपनी ही खरीदी हुई अंगूठियां पहनी हुई है मैंने. आपके तो माशाल्लाह. मैं इनके लिए एक शेर कहना चाह रहा था. हाँ हाँ जरूर. तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतजार किया. तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतजार किया और इस इंतजार में हमने किस किस से प्यार किया. बहुत चलो चलो एटलीस्ट बहुत खूब माशाल्लाह. बट आई से एटलीस्ट द मैन इज ऑनेस्ट. चलो एंड आई लाइक ऑनेस्टी इन अ मैन. ठीक है भाई. लेकिन अदनान एक और बात. जहां पर एक्टर्स के लिए हालात बेहतर हो गए मीडिया के अंदर यू नो एक्टर्स आर गेटिंग मोर मनी दे गेटिंग मोर वर्क गेटिंग मोर एक्सपोजर. लेकिन उसी साथ साथ देखा जाए
तो और तुम से मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम यू नो यू एक्टिंग माशाल्लाह एंड यू एट द फोरफ्रंट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री. मुझे लगता है कभी कभी कि एक्टर्स में वो कमिटमेंट नहीं रही जो पहले हुआ करती थी. दैट इट हैज़ बिकम टू कमर्शियल नाउ. दैट एक्टर्स आर नॉट डूइंग इट. वो अपने दिल से नहीं कर रहे और वो चीज़ अब स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लग गई है. डू यू अग्री विद मी अदनान ऑन दैट? इन दिस वे आई डोंट. ओके. हियर इट्स लाइक सर्टेन पीपल हु आर सीरियस अबाउट देयर वर्क and certain people they are not serious about their work and I guess it's in every field yaar. aapko kuch dedication milti hai kuch nahi milti hai aur kabhi kabhi aisa bhi hota hai ki aapke mizaj ka kaam nahi mil raha hota hai aapko magar aapko karna padta hai majboori hoti hai but mere khayal mein aisa nahi hai. sare panch ungliyan barabar nahi hai. jahan aise halaat hain wahan aise halaat bhi hain ki log puri dedication ke sath kaam kar rahe hain waqt pe aate hain waqt pe jaate hain अच्छा काम भी मिल रहा है अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं. मगर ये कहना गलत होगा कि सबको उसी में लपेट लेना कि अब वो डेडिकेशन नहीं रही. बट यू नो आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट नाउ और इस पर मुझे यकीन है कि तुम दोनों इसको चैलेंज नहीं करोगे. और स्टेटमेंट मेरी ये है दैट इन पाकिस्तान द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रामा हैज़ डिटीरियोरेटेड यू नो ट्रिमेंडसली. जो ड्रामे का स्टैंडर्ड था आज से लेट्स से इवन अप टू 15 ईयर्स बैक, आज जो ड्रामे हैं वो दे फेल टू कैच आर फैंसी द वे ड्रामाज वुड यू नो. एंड आई स्टिल रिमेंबर प्लेज लाइक दौरे जनू विच आई थॉट वॉज अ फैबुलस प्ले ने भी. आई लव्ड दैट प्ले. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज व्हेन आई कॉल माय प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फ्रेंड्स वो कहते हैं कि जी एक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, वो तंग करते हैं. व्हेन आई टॉक टू माय एक्टर फ्रेंड्स दे ब्लेम इट ऑन राइटर्स कि जी राइटर्स नहीं हैं, अच्छे स्क्रिप्ट नहीं आते, डायरेक्टर्स नहीं हैं, अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं. यू नो वी कीप शिफ्टिंग ब्लेम्स ऑन टू ईच अदर. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपसे पहले तो ये कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटीरियरेशन ऑफ ड्रामा इन पाकिस्तान? नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मेरे ख्याल में हम जिस एरा के अंदर हैं उसमें कॉम्पिटिशन का दौर बढ़ गया है. जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि ड्रामे होते थे तो वो एक ही चैनल होता था, बाय हुक और बाय क्रुक देखना पड़ता था आपको. अब ये हो गया है कि चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, अच्छा काम भी होता है बुरा काम भी हो रहा है. अब व्यूअर्स के ऊपर है किसको वो देखना चाहते हैं. किसी ने उनको रोका हुआ नहीं है. वो चाहे ए चैनल देखें या बी चैनल देखें या सी चैनल देखें, जो ड्रामा उनको अच्छा लग रहा है वो देखें. मगर ये ज़रूर हो गया है कि इसकी वजह से ऐसी भेड़ चाल चल पड़ी है कि जो सभी करना चाह रहे हैं वैसे ही काम वो नहीं हो सकता. एक अपने अंदर एक इंफरादियत होनी चाहिए कि आप वन शुड नॉट बी डिफरेंट बट विद अ क्लास ऑफ डिफरेंस. सो व्हाट इज़ रियली मिसिंग राइट हियर इज़ द क्लास. वक्त के साथ वो भी आ जाएगी. मेरे ख्याल में कुछ स्क्रीनिंग हो चुकी हैं, कुछ अभी बाकी है, बट विद टाइम एवरीथिंग विल बी सेटल. आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे. वेलकम बैक. अदनान सिद्दीकी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू के ये तुमसे नर्वस हो गया था. यू नो आई हैवन सीन दैट साइड ऑफ अदनान येट. ही मेक्स मी फील सो नर्वस. दे आर वेरी फ्यू मेन हु कैन डू दैट, बट यू नो ही कीप्स मी फीलिंग वेरी नर्वस हाफ द टाइम. हाँ, एनीवे यू कंटिन्यू विद योर कन्वर्सेशन. हमारे अंदर कोई बात तय हुई थी कि हम सामने कोई भी. I tried my best. You gave it away. No, how are you looking at me? तो मेरी तरफ देख किस तरह रहे हो? प्यार भरी नजरों से. हाँ, इसलिए तो मेल्ट कर रही हूँ ना मैं और मेरी मोमबत्ती भी. It's all your fault. ये देखो, अदनान की बीवी भी ये प्रोग्राम देखेगी तो जरा होश की दवा करो दोनों. कोई घबरा रही थी वो. मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो ना. वो असल में जो मैंने तुमसे इसके आने से पहले बात पूछी थी ना, इनसिक्योरिटीज वाली, कभी तुम्हारा हस्बैंड तो तुमसे इनसिक्योर नहीं हुआ, कभी तुम तो इनसिक्योर नहीं हुई. फिर मैंने पूरा लेक्चर भी सुनवाया था इस बात के ऊपर कि इनसिक्योर नहीं होना चाहिए. मैं इसकी बीवी की तो सुनवा रही थी. ओहो, अब समझ में आई एम. प्लीज यू मस्ट लिसन टू व्हाट शी सेज. यू नो वन शुड नेवर बी इनसिक्योर डार्लिंग. आई मीन इफ आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम व्हाई शुड यू. आई एम नॉट टेकिंग हिम अवे. आई मीन अदनान इज क्वाइट केपेबल ऑफ कीपिंग द टू ऑफ अस वेरी हैप्पी. आई नो दैट.
अच्छा, I mean you poor man. Come on, he's oh, happy. Dear. Look at him. He's blushing. कितनी रौनक है तुम्हारे चेहरे पे. ये मुझे खुश कर दो. ये बोलो कि ये मेरी वजह से है, ये गेट स्मार्ट के फेशियल की वजह से नहीं है. अभी भी यही कहूँगा कि ये किसी के फेशियल की वजह की नहीं, ये सिर्फ आपकी वजह से. How gallant, how chivalrous, देखो. I'm being honest. He is. You know. तो इनको You know Libby, you've known me for years. She's known me for years. तुम्हें तो पता ना कि मुझे कभी, मुझे हमेशा I only go for the best. And he is the bestest. भाई जिस तरह हम सचगप में कहा करते हैं ना, बादशफी और हसनाद अहमद कहा करते हैं बेस्टेस्ट इन एशिया. बेस्टेस्ट इन एशिया. यू हैव टू डू इट इन दैट टोन फॉर मी. व्हाट द बेस्टेस्ट. वो मेरी लाइन नहीं हुआ करती थी, वो उनकी लड़कों की थी. अच्छा, यू हैव टू डू वन ऑफ योर लाइंस देन. हाय खुदाया, अब प्लीज. तो सब लोग बस यही देख के कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा आप वही है ना, वो मेरे डैडी बड़े होशियार हैं. बेचारे मेरे डैडी तो बिल्कुल होशियार नहीं थे, लेकिन वो एक तकिया कलाम बन गया था. वैसे तो ये भी बड़े होशियार हैं. अदनान, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? और व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? माइन वाज शुड आई प्लीज बोलो ना. मेरा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था. कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था. आई वाज अ डफर यार. ओह गॉड. सो व्हाट? नो, बट यू आर नॉट अ डफर. नो, ही मींस इन एकेडमिक्स. ओके, आई थिंक यू आर वंडरफुल टू एक्चुअली सिट डाउन हियर एंड से दैट यू डिडंट हैव a flair for academics. He's wonderful. An honest man. Nivi, he's an honest man. I think it's wonderful. Ask me my favorite subject. Your favorite subject. अगर दो अल्फाज से किसी का दिल खुश होता है तो कह देना चाहिए. ऐसी कौन सी बात? तो अंग-अंग खुश हो गया. अच्छा, बी ऑनेस्ट नाउ, बिकॉज आई नो वन थिंग, दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन. शो बिजनेस में वो कौन सी लड़कियां हैं जिनसे तुम्हारी बीवी नफरत करती है, तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से ऐसी कोई भी लड़की नहीं मेरी वजह से नफरत नहीं करती. वो सिर्फ नफरत इसलिए करती है कि मैं उनके साथ आता हूँ. मतलब ड्रामे में आता हूँ? हाँ. नहीं, आई नो पल्विशा कांट बी दैट वे, कि वो सिर्फ ड्रामे में आने की वजह से. सबसे अच्छी बात पल्विशा की ये है कि आई मैरिड अ लेडी जिनके अब्बा भी डायरेक्टर थे. और सो मुझे ये पता था कि मैं जिस लड़की से शादी करने लगा हूँ उनको इन बातों का मालूम होगा. और शी अंडरस्टैंड्स द बिजनेस. शी अंडरस्टैंड्स द बिजनेस ग्रेट. एंड सीरियसली वो वाकई इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझती है. और वो समझती है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन, आई हैव अ फैमिली. घर वापस आऊँगा, अपनी बेटी को टाइम दूंगा, अपनी बीवी को टाइम दूंगा, बाहर कुछ नहीं करूंगा. How wonderful it is actually. How wonderful really it is. अच्छा, तुम्हारी बेटी की क्या हाल चाल है? बेटी मेरी बहुत अच्छी है. How old is she? 1 साल 4 महीने. We should keep. And name is Mariam. और जब वो मुझे अब्बा कहती है तो दिल पिघल के इस मोमबत्ती की तरह हो जाता है. बिल्कुल वाकई. और जब वो मुझे अम्मा कहेगी तो मेरा भी दिल पिघल कर ऐसी ही मोमबत्ती. तुम्हें अम्मा क्यों कहेगी? वो रही बात जहीर की, जहीर खान को मैं समझा दूंगी क्योंकि उससे भी मेरी पुरानी दोस्ती है. फिर अपनी बेटी को वो भी समझा देगा. शहजाद नवाज तो आया ही था. हाँ. उसको मैंने समझाया, वो भी परवेशा को समझा देगा. तो लाइक बहुत जल्दी विल बी लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली. एंड ऑफ कोर्स देन वी विल विजिट माय फ्रेंड निवि एंड शहजाद एंड हैव डिनर विद देम. यू विल नॉट, नॉट विद दैट खानदान. नहीं, मैंने कहा हमारे हुकूमत वाले कहते रहते हैं ना खानदानी मंसूबाबंदी, खानदानी मंसूबाबंदी. तो मैंने कितनी लंबी मंसूबाबंदी की है देखो. अम्मा भी बन गई. तो हाँ, क्योंकि मैं इतराज़ है मेरी अम्मा बनने पर. नहीं, अम्मा आप नहीं बन सकती हैं. क्यों नहीं बन सकती? मेरी जान है, अम्मा कहाँ से बन सकती है. तुमने फिल्म नहीं की अदनान? ऑफर हुई थी जरूर, यकीनन.
क्यों नहीं की? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं थी कि आई वुड टेक एक्टिंग एज माय करियर और नॉट. वो दौर जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं था कि सोचा जा सकता था. और वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर मी. वन ऑफ द बेस्ट बैनर सजाद गुल साहब का बैनर था और नुसरत फतेह अली साहब पहली दफ़ा म्यूजिक दे रहे थे. मैडम नूर जहाँ का कम बैक था एज सिंगर. मोहम्मद अली साहब का कम बैक था. देन नीली एंड रीमा ट्राइंगल ये था. असगर नदीम सैयद साहब ने स्क्रिप्ट लिखा था उसका. बट वो कुछ समझ नहीं आया कि मैं समझाती हूँ ना. यू डिडंट हैव मी इन योर लाइफ. मैं तुम्हारी जिंदगी में होती तो कान से पकड़ के लेके जाती तुम्हें सेट के ऊपर और तुमसे फिल्म करवाती वो वाली. ये भी बात है. यू नो मुझे अब आ गई हूँ ना. अब थैंक यू लकी स्टार्स. बस अब तो खैर इसके सामने सारी बात खुली गई है तो अब मेरे ख्याल में खुली खुली बात हुई. नहीं ऑनेस्टली मेरा वो तीन बंदरों वाली बात है ना. कुछ देखा है ना कुछ सुना है ना कुछ. बट यू नो कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बात की ये हमको भी अपना लेना चाहिए. ना देखा ना सुना ना कहा. एनीवे ना देखा ना सुना ना कहा तो ठीक है लेकिन करना बहुत कुछ है और करेंगे. अभी चल के खाना खाएंगे. पहले बहुत मजे का खाना बनाया. नहीं भी मेरे घर आई है अदनान को तो मेरे हाथ की बनाई हुई हर चीज़ ही अच्छी लगती है. Adnan keeps telling me he loves my fingers. For many reasons, of course, you know. The French manicure, darling, I think. It's looking very nice, very elegant. Very elegant. Thank you so much. It's been a true pleasure having the two of you this evening. Naveed Shehzad, really, thank you so much. Thank you. And Adnan, thank you so much. Thank you so much. Thank you for everything. यकीनन आप लोगों को भी नवीद से मिलकर और अदनान से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमें सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल बी बैक विद टू वेरी एक्साइटिंग पर्सनालिटीज. एंड डोंट लुक एट मी लाइक दैट विद टू वेरी एक्साइटिंग पर्सनालिटीज. अंटिल देन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड खुदा हाफिज़. नवाजिश नवाजिश.